बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ व्हाट इज़ द सेट। दिस लेक्चर इज डिज़ाइन फॉर द बीएड ऑनर स्पेशल एजुकेशन सेकेंड सेमेस्टर फॉर द सब्जेक्ट ऑफ जनरल मैथमेटिक्स। आई एम सैयद कामरान अली रजी। आई एम वर्किंग एज ए लेक्चरर इन स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस about the definition of set, and the main purpose of this lecture is, in other words, the goal of this lecture is, after completion of this lecture, student must be able to know about what is a set, what is the different forms of the sets, and the types of the set. Let's start with the definition of the set. F, जैसा कि आप लोग ये previous classes के अंदर, elementary classes के अंदर या higher secondary classes के अंदर आप लोग पढ़ के आए हैं कि set क्या है। Set is a well defined collection of distinct objects. यानी set जो है मुख्तलिफ अशिया का इज्तमा है, यानी मुख्तलिफ अशिया को इकट्ठा करने से जो नमाएं आपको नजर आ रही हैं उनका मजमूआ है। यानी सेट जो है वो बेसिकली यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज हैं सेट की, दो करेक्टरिस्टिक्स हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। और जो है नेक्स्ट पे हम देखेंगे एलिमेंट्स आर द मेंबर्स। द ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स। यानी एक सेट के अंदर जो चीजें लिखी गई हैं, जो रखी गई हैं, उनको हम एलिमेंट्स या मेंबर्स कहेंगे। जैसा कि एग्जांपल में आप लोगों को दिखाया गया है, ए इज अ सेट इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी। यानी ए जो द नेम ऑफ द सेट है, इट इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स। द एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स आर मेंबर्स, मेंबर्स आर ऑलवेज रिटन इन द स्मॉल लेटर्स। जैसा कि आपको ये स्लाइड के अंदर जो एग्जाम्पल के अंदर जो है वो दिखाया गया है। नेक्स्ट में हम देखते हैं सेट, और थोड़ी सी एलेबोरेशन है इसकी। सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल एंड बोल्ड लेटर्स, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता चुके हैं। एंड एलिमेंट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स, जो आपके सेट के हैं, द नेम ऑफ द सेट है, इट इज ऑलवेज इन द कैपिटल एंड बोल्ड लेटर्स। और जो एलिमेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको हमेशा हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, जैसे कि आपको एग्जाम्पल में ये दिखाया गया। नेक्स्ट में हम देखते हैं देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पेशल सेट्स। यानी ये भी हमने ऑलरेडी जो है वो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एन इज डिनोटेड बाय द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड डब्ल्यू स्टैंड फॉर द set of all whole numbers and z or z is equal to the set of the all integers. It may be a positive and may be a negative. Set of all in all odd integers like 1, 3, 5, 7. Set of all even integers like 0, 2, 4, 6, 8. And q is equal to all rational numbers and c is equal to all complex numbers. जैसा कि यहाँ पे आप दो को दिखाया गया है कि n इज द नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम द 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। एंड द होल नंबर्स, इफ वी ऐड द जीरो इन द नेचुरल नंबर्स, इट इज कॉल्ड द होल नंबर्स। द इंटीजर्स मींस ऑल द होल नंबर्स आर पॉजिटिव। इफ वी ऐड द प्लस माइनस साइन इन द होल नंबर, इट इज converted into the integers. And the q is the all rational numbers, all the numbers which can be written in the form of p by q
एंड क्यू इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, इट इज कॉल्ड द रैशनल नंबर्स। इसके लिए जैसा कि आप लोगों ने उर्दू में नातक आदात इनको कहा जाता है, यानी ऐसे आदात जिनको हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, हम उनको रैशनल नंबर्स कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट। ये भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द फॉर्म्स ऑफ द सेट्स, इन अदर वर्ड्स वेज टू डिस्क्राइबिंग द सेट। देर आर थ्री वेज टू डिस्क्राइबिंग द सेट। फर्स्ट वन इज नोन एज द डिस्क्रिप्टिव मैथड, सेकेंड वन इज नोन एज द टेबुलर मैथड, एंड थर्ड वन इज नोन एज द सेट बिल्डर मैथड। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जी डिस्क्रिप्टिव मैथड। डिस्क्रिप्टिव मैथड क्या है? जैसे कि स्टेट इन वर्ड्स द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, यानी एक ऐसा तरीकाकार जिसके अंदर हम सेट को जो है के एलिमेंट्स को हम वर्ड्स की शक्ल में लिखते हैं, अल्फाज की सूरत में लिखते हैं, हम उसको दिस मेथड को हम कहते हैं द डिस्क्रिप्टिव मेथड। मिसाल के तौर पर द सेट ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स, पहले पांच कुदरती आदात का सेट जो है हम उसको जो है वो दिस फॉर्म दिस इस फॉर्मेट में अगर हम लिखेंगे तो फिर हमें इनको डिस्क्रिप्टिव मेथड कहेंगे। इन अदर एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 50, यानी इंटीजर्स का सेट है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उनकी वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 50 है। यानी दिस टाइप यानी डिस्क्रिप्टिव मेथड एक ऐसा तरीकाकार है जिसके अंदर हम सेट को जो है वो अल्फाज की सूरत में वर्ड्स की सूरत में लिखते हैं। The next method is known as style, या describing style is the tabular method. Listening all the elements of a set separated by commas and closed with the braces of the curly brackets, or it is written in the form of numbers form. For example, 0, 1, 2, 3, 4, 5. यानी हमने अल्फाज को जो है हमने जो डिजिट्स को है हमने उनको हमें जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में लिख दिया है, नंबर्स की शक्ल में लिख दिया है। दिस स्टाइल इज नोन एज द टेबुलर मेथड। और हमेशा जब भी हम कोई भी स्टाइल लिखेंगे और हम इसको किस में लिखेंगे, हमेशा हम एलिमेंट्स को जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे और इनके दरमियान हम कॉमा इनक्लोज करेंगे। यानी ये आपके जो है द होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स डब्ल्यू हम स्टैंड इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड क्या है? ये एक भी डिफरेंट स्टाइल है सेट को लिखने का। दिस इज डन बाय यूजिंग असेंबल्स और लेटर फॉर एन आर्बिट्री मेंबर्स ऑफ द सेट एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज कॉमन टू ऑल द मेंबर्स। ये भी एक सेट का स्टाइल है जिसको हम जी तरीका कह रहे हैं सेट को लिखने का। जैसे कि एग्जांपल में आप लोगों को दिखाया गया है कि बी इज इक्वल टू एक्स एक्स, और ये एक आपको व्हाइट कलर की लाइन नजर आ रही है जिसका मतलब होता है जबकि x is a natural number less than 9। यानी ये भी एक स्टाइल है जिस स्टाइल के जरिए जो है हम सेट को जो इस शक्ल में लिख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। नेक्स्ट इज द नोन एज द इक्वल सेट्स। टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ दे हैव इक्वल मेंबर्स ऑफ एन एलिमेंट्स इन ए सेट एंड हैव सेम वैल्यू इन सेट। यानी ऐसे दो सेट को हम इक्वल सेट कहेंगे जिनके अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है, यानी उसके अंदर जो रुकन है, अगर वो दोनों एलिमेंट्स के बराबर हो और एक जैसे हो तो फिर हम उनको कहेंगे कि वो जो है आपके जो है वो इक्वल सेट्स हैं। यानी उनके अंदर वन टू वन क्रॉसपोंडेंस हो और वो सेम एलिमेंट हो। जैसा कि मिसाल के तौर पर ये देखें आप एग्जाम्पल में आपको दिखाएंगे एफ इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 द फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स and e is also be a first five natural numbers but in descending orders. ab jab dekhte hain hum inko dekhte hain to the members f contain five members, e contains five members and these members are the same, then we can conclude that then f is called equal set of e. यानी दोबारा देख लें इसके अंदर इक्वल सेट्स क्या हैं, जो आपके जो एलिमेंट्स की तादाद है, जैसे एफ सेट के अंदर पांच एलिमेंट्स हैं और ई सेट के अंदर भी पांच एलिमेंट हैं और सारों की ज्योमेट्री जो है वो सारी एक जैसे हैं तो हम इनको इक्वल सेट कहेंगे। नेक्स्ट है जी इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट, टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स इफ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स, यानी जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद एक जैसी होनी चाहिए। दे डू नॉट हैव सेम वैल्यू, लेकिन उनकी वैल्यू सेम ना हो, वन टू वन क्रॉसपोंडेंस तो मौजूद है लेकिन वैल्यू सेम ना हो। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स,
एंड बी इज इक्वल टू 6, 7, 8, 9, 10। अब देखें कि इसके अंदर ए जो सेट है आपका 1, 2, 3, 4, इसमें 5 नेचुरल नंबर्स हैं और उसके बाद जो है 6, 7 अगले नेक्स्ट 5 जो नेचुरल नंबर्स हैं वो आपके सेट बी के अंदर है। इनके अंदर 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस तो है, यानी तादाद दोनों की सेम है बट लेकिन जो है वो एक जैसे नहीं है, तो हम इनको कहेंगे दीज आर देन द सेट सेट ए इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट सेट ऑफ बी बट दे आर नॉट इक्वल सेट, लेकिन ये इक्वल सेट नहीं होंगे। नेक्स्ट में दी ऑर्डर ऑफ द सेट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेट जो है इसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ समथिंग, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में सेट उस चीज को भी कहा जाता है जिसके अंदर कोई चीज मौजूद ना हो, हम उसको भी नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। तो इन मैथमेटिक्स में ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी एग्जिस्ट करती है कि जिसमें हम ये कहते हैं कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है वो भी सेट है, इसको हम एम्प्टी सेट या नल सेट बोलते हैं। या सेट जो है ऐसा सेट जिसके अंदर कम से कम सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो जिसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं या सिंगल सेट बोलते हैं। तो इसके अंदर जब हम नेक्स्ट देखते हैं तो नल सेट क्या है और एम्प्टी सेट, ए सेट विच नॉट हैव एनी मेंबर्स ऑफ एलिमेंट इन देम इज कॉल्ड एम्प्टी और नल सेट, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई रुकन मौजूद नहीं हो, कोई एलिमेंट मौजूद ना हो, हम उसको नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिखाया गया ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स जो है उसके दरमियान कोई चीज नहीं है, ए इज इक्वल टू खाली सेट, नल सेट, और इट इज डिनोटेड बाय द फाई और इसको हम जो है वो फाई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज द सिंगलटन सेट, क्या है एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, हम उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ए इज इक्वल टू 1, set 1, b is equal to 3 और set और c is equal to 0। एक बात यहाँ पे और क्लियर कर दी जाए, सिंगलटन सेट के अंदर एक एलिमेंट होगा और जीरो जो अगर किसी भी सेट के अंदर आ जाएगा तो जीरो एक एलिमेंट है, एक रुकन है, ठीक है, तो हम इसको नल सेट नहीं कहेंगे, ये सिंगलटन सेट होगा। नेक्स्ट आपके पास जो एक टाइप आती है हम उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। इन मैथमेटिक्स इनफाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल, यानी ऐसा सेट जिसके सेट की अरकान की तादाद को हम गिन सकते हैं, हम उनको फिनाइट सेट बोलते हैं। और जो है फिनिश काउंटिंग, और इसके साथ एक प्रैक्टिस इसकी ये भी है कि उसका जो लास्ट एलिमेंट्स है उसका हमें पता होता है। जैसे एग्जाम्पल में फर्स्ट 10 जो है वो नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसका जो लास्ट एलिमेंट आपका वो 10 है, यानी मीन इसकी बाउंड्री का हमें इलम है। यानी ऐसा सेट जिसकी बाउंड्री का हमें इलम हो, जिसके लास्ट एलिमेंट का हमें पता हो, हम उसको बोलते हैं फिनाइट सेट। और इसका जो फिनाइट का उलट है उसको बोलते हैं इनफिनाइट सेट, यानी एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स की तादाद को काउंट नहीं किया जा सकता, उसके लास्ट एलिमेंट का हमें मालूम नहीं है, लास्ट एलिमेंट का हमें पता नहीं है, तो हम उनको जो है वो इनफिनाइट सेट बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ए इज इक्वल टू ये जो है वो आपके इंटीजर्स हैं 0, +1 +2, +3, and so on, -1, -2, and -3, and so on, and all the natural numbers. These are the examples of the infinite set. Next, we have ये देखते हैं the comparison between the empty set, finite set, and the infinite set. So empty set के number of the elements zero होते हैं, यानी इसके अंदर कोई element नहीं होता. Finite set के अंदर क्या है, number of elements can be counted. An infinite set, number of elements cannot be counted if elements are infinites. जैसे कि example में दिखाया गया है a is equal to x, जबकि x is equal to the natural number less than 1. ये आपको set builder method के अंदर दिखाया गया है, बताया गया है example इसकी। तो आप जैसे कि आप लोगों को पता है कि natural numbers less than 1 होते हैं, क्योंकि natural number start ही 1 से होता है, 1 से नीचे कोई natural numbers नहीं होता, तो आपका जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट सेट होगा ए इज इक्वल टू फाई आर एम्प्टी सेट या नल सेट। और फिनाइट सेट के अंदर एग्जांपल देखें, ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नेचुरल नंबर जो है लेस देन 6 होते हैं, 1 से स्टार्ट करके 1, 2, 3, 4, 5, दीज आर द नेचुरल नंबर्स एंड लेस देन 6, तो इट कैन बी अ काउंटेबल, ये 5 एलिमेंट्स होंगे, इनको हम गिन सकते हैं, तो दीज आर द फिनाइट सेट। नेक्स्ट में हम देखते हैं इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट के अंदर क्या आता है, बी सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, दिस फॉर्मेट इज द नोन एज द डिस्क्रिप्टिव मेथड,
यानी बी सेट को जो आपने जाहिर किया है ये डिस्क्रिप्टिव मेथड में जाहिर किया है। तो बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स हैं, हमें इसकी जो काउंटिंग है उसका पता नहीं है ये कहां तक जा रहे हैं, लास्ट एलिमेंट हमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस सूरत में हम इसको जो है इनफिनाइट सेट कह देंगे। एंड थैंक यू वेरी मच।